नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिल से दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। तो फ्रेंड्स, आप सबको दुर्गाष्टमी व नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नवमी पूजी जाती है, लेकिन जो भोग का प्रसाद बनाया जाता है वह हलवा पूरी व काले चने का प्रसाद बनाया जाता है। तो मैंने भी कुछ तैयारी की है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं भोग का प्रसाद। तो मैंने सोचा वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूँ। देखिए, ये काले चने हैं जो मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे। अब मैं कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी इनको। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, बस पानी उतना ही डालना है जितने कि हमारे छोले गल जाएँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें इसमें। इसमें मैं एक चम्मच नमक डालूँगी और एक चम्मच देसी घी डालूँगी। देसी घी डालने से ना छोले में जो है वो खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो उबलने के लिए रख दूँगी मैं गैस पर, 6-7 सीटी इसमें लगाऊँगी मैं। यहाँ दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर ली है। यहाँ एक कटोरी मैंने सूजी ली है और थोड़ा सा मैंने पका हुआ नारियल कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी किशमिश है और थोड़े से मैंने काजू बादाम जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और एक कटोरी ही यहाँ पे मैंने चीनी ली है, जितनी मैंने सूजी ली उतनी चीनी ली है। तो यहाँ एक पैन में मैंने चीनी डाली है और इसमें 3.5 कटोरी पानी डालकर गैस पर रख दूँगी, क्योंकि ये चीनी हमें उबाल मतलब पानी उबालना हमें चीनी घोलने के लिए। ये मैं हलवे में डालूँगी, 3.5 कटोरी पानी डालूँगी मैं इसमें। अब जब तक कि हमें इसे पानी को पकाना है, जब तक कि चीनी हमारी घुल ना जाए, ज़्यादा नहीं पानी को हमें पकाना है। देखिए, मैंने गैस पर रख दिए, बस चीनी घोलने के लिए हमें पानी में उबाला दिलाना है, ज़्यादा नहीं। और दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर ली है। यहाँ मैंने 3 चम्मच देसी घी डाला है इसमें। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें और मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। ये देखिए, हल्का ब्राउन हो चुकी है हमारी सूजी। अब मैंने काजू बादाम जो काटे थे वो डाल दिए इसमें, क्योंकि साथ साथ वो भी भुन जाएंगे। देखिए, थोड़ा इनको भून लेंगे। हमें देखिए, सूजी हमारी भुन चुकी है। अब इसमें पानी डाल देंगे जो मैंने उबाला था। फ्रेंड, बहुत से लोग ठंडा पानी में डालते हैं इसमें हलवा बनाने के लिए और बाद में चीनी डाल देते हैं। सबके बनाने के तरीके अलग अलग हैं, कोई किस तरीके बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। अब मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से मैं कद्दूकस किया हुआ जो नारियल है वो डाल दूँगी इसमें। देखिए, हलवा हमारा बनकर तैयार है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लूँगी। देखिए, हलवा हमारा भोग का प्रसाद बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने एक बाउल में निकाल लिया हलवा, और काजू बादाम और कद्दूकस के नारियल से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं छोले बनाने की तैयारी करती हूँ। देखिए, हलवा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये दिखाती हूँ आपको कि छोले बनाने की मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और क्या क्या कुछ मसाले लिए हैं मैंने सूखे, 1 चम्मच धनिया, हल्दी, धनिया चाट मसाला लिया है, देगी मिर्च है, किचन किंग है, और मैंने कुछ सूखे मसाले हैं जिनको मैंने एक बाउल में पानी डाल लिया है। सारे मसाले मैं उसमें घोल लूँगी। ये देखिए, एक बाउल में पानी डाल लिया मैंने, सारे मसाले मैं इसमें घोल लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम तेल में मसाले डालेंगे तो जलने का डर रहता है। तो पानी में घोल कर ही आप इसमें मसाले डालें तो आपके छोले बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें घोल लिया सारे मसाले। अब मैंने इसमें पैन चढ़ा दिया छोले बनाने के लिए। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दूँगी। अब जो मैंने हरी मिर्च और मैंने क्या कहते हैं अदरक बारीक बारीक काट कर रखा था वो भी इसमें डाल दूँगी मैं, और उनको भून लेंगे अच्छी तरह से। इनको भी बहुत ही हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो मसाला हमने तैयार करा था पानी में डालकर वो भी इसमें हम डाल देंगे, उसे भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें मसाला भूनना है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम छोले डाल देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम इसमें 1 चम्मच में नमक डालूँगी। नमक मैंने पहले भी डाला था उबालते हुए, तो नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें। अब इसको हम ढककर 5-7 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं, 5-7 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए, छोले हमारे बनकर तैयार हैं। हरे धनिया डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले भी हमारे बनकर एक बाउल में निकाल लिए मैंने, ऊपर से हरा धनिया और डाल दिया मैंने। तो छोले भी हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने आटा लिया थोड़ा सा ही, और हाथों से क्रश करके मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ थोड़ी सी। 1 चम्मच मैं नमक डाल देती हूँ इसमें, और 1 चम्मच ही घी डालूँगी। अगर आप
मोन डालकर ये पूरियाँ बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पूरियाँ बनती है, बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती है। हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को और एक अच्छा सा डो बनाकर हमें तैयार करना है पूरी बनाने के लिए। ये देखिए डो हमने बनाकर तैयार करिए, बहुत ही सॉफ्ट डो बनाए, बहुत ही अच्छा बनाए। अब इसकी पूरी बना लेते हैं। चलिए तेल गर्म हो चुका है हमारा, अब इसमें डाल देते हैं पूरियाँ। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी फूली फूली पूरियाँ बनी है। ये देखिए सारी पूरियाँ अच्छी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भोग की थाली में यहाँ तैयार कर लेते हैं। देखिए भोग की थाली में तैयार कर रही हूँ, यहाँ पर कटोरी में हलवा डाल रही हूँ और दूसरी कटोरी में मैं छोले डालूंगी। तो फ्रेंड्स, कभी आप भोग का प्रसाद बनाएं तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं छोले डाल दिए दूसरी कटोरी में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थाली लगा दी है। तो फ्रेंड्स, कोरोना है, कन्या पूजन तो हम कन्या को तो घर में नहीं बुला सकते, लेकिन जो घर में कन्या है उनको ही देंगे हम भोग लगाकर, और गाय माता के लिए निकालेंगे भोग हम। तो देखिए थाली हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।